छोटी बहू, बेटा बताओ ना क्या हुआ है। फिर देव ने आज तक ऐसा बर्ताव किसी के साथ नहीं किया है। माँ जी, मैंने उनसे कहा कि वो टिकट। हाँ हाँ बोलो। यही कि मैं बाहर कहीं, मैं गोवा नहीं जाना चाहती। सीधे सीधे क्यों नहीं कहती कि तुमने देव का दिल तोड़ दिया? तुम्हें पता है कि देव इस हनीमून ट्रिप को लेकर कितना एक्साइटेड था? मैंने देखी उसके चेहरे की खुशी जब वो विवेक से फोटोग्राफ्स और ब्रोशर्स लेने आया था। लेकिन तुमसे उसके चेहरे की खुशी बर्दाश्त नहीं हुई, कर दिया उसे दुखी। मैं जानती हूँ, मैंने उनकी दिल को ठेस पहुंचाई है। आप सब भी ये जानकर बहुत नाराज हो जाएंगे, लेकिन मैं आपसे विनती करती हूँ, मैं इस समय आपको कुछ नहीं बता सकती। सही समय आने पर मैं आप सबको सब सच बता दूंगी। ये तुम कैसे? बड़ी बहू, छोटी बहू ने कहा ना कि समय आने पर वो हमें सब बता देगी। आज मैं तुम्हारी चोटी बनाऊंगी। हम राधिका से कहना वो खुद यहाँ आया करे, ऐसे ही किसी को भी ना भेज दिया करे। राधिका भौजी ने हमें नहीं भेजा है यहाँ, पर हम आए उन्हीं के लिए हैं। क्या? आपकी वजह से हमारी राम सीता की जोड़ी जैसे भैया भौजी में आज पहली बार लड़ाई हुई है। मेरी वजह से? पर मैंने क्या किया? फिर भगवान ही जाने। बिजू, मेरे गुंडे बदमाश पीछे पड़े थे आपके, कुछ वैसा काम किया होगा ना आपने। पर अब इस घर में काहे सत्यानाशी फैलाने आई है आप? कह तो रहे हो कि राधिका ने तुम्हें यहाँ नहीं भेजा, पर तुम्हारी बातों से लग रहा है कि उसी ने तुम्हें सिखा पड़ा कि यहाँ भेजा है। खबरदार, जो एक शब्द भी हमारी भौजी के खिलाफ बोला तो। ऐसा क्या हो गया कि मेरी छोटी बहू हनीमून पे जाने से मना कर रही है? कहीं शास्त्री जी के घर पे कोई परेशानी तो नहीं जिसकी वजह से छोटी बहू नहीं जाना चाहती हो यहाँ से इतनी दूर? राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। जी? राधे राधे शास्त्री जी। राधे राधे बाजी, सब कुशल? जी हाँ, यहाँ सब कुशल मंगल है। मैंने तो आपका हालचाल पूछने के लिए फोन किया। बाजी, ठाकुर जी की कृपा है, हम लोग कुशल पूर्वक हैं। कोई चिंता, कोई परेशानी? एक पुत्री का पिता तो उसी दिन निश्चिंत हो जाता है जिस दिन वो अपनी पुत्री को एक सुयोग्य वर के हाथों में सौंप देता है। मेरी बेटी तो आपके घर की छोटी बहू बनी है, मुझे चिंता क्यों होगी? वो सिर्फ मेरी छोटी बहू ही नहीं, मेरी बेटी भी है। अच्छा शास्त्री जी, रात काफी हो चुकी है, मैं फोन रखती हूँ। राधे राधे। राधे राधे माँ जी। आप चलिए मेरे साथ। राधिका, तुम मुझे लेके कहाँ जा रही हो? मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। ये सब कहाँ जा रहे? देखना पड़ेगा। ये है मेरा सच।